प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया। इसके साथ उन्होंने देश भर में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना, घरों में बंद रहना ही कोरोना से बचने का एकमात्र तरीका है। संक्रमण से बचने का इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। कोरोना को फैलने से रोकना है तो इसके संक्रमण की साइकिल को तोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस गलतफहमी में हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग केवल बीमार लोगों के लिए आवश्यक है, लेकिन ये सोचना सही नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग हर नागरिक के लिए है, हर परिवार के लिए, परिवार के हर सदस्य के लिए। 2 महीनों के अध्ययन से जो निष्कर्ष निकल रहा है और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि इस वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना, अपने घरों में ही बंद रहना कोरोना से बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आइए जानते हैं संक्रमण को रोकने के लिए कितनी मददगार है सोशल डिस्टेंसिंग। गौरतलब है कि पीएम मोदी से पहले आईसीएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर ने भी सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर देते हुए कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग से कोविड-19 केस में 62% की कमी लाई जा सकती है। वहीं हरिद्वार कोतवाली पुलिस ने कोरोना के कहर के बीच 100% लॉकडाउन को पालन कराने के लिए एक नया तरीका ढूंढा है, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वाहवाही बटोर रहा है। हरिद्वार पुलिस ने कोतवाली प्रांगण में ही 151 में अरेस्ट किए गए 8 युवकों को एक दूरी बनाते हुए बिठाया, जो कि सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं। और सामाजिक तौर पर ये मैसेज देने का भी प्रयास किया गया है कि आपस में दूरी कितनी जरूरी है, तभी हम कोरोना जैसे वायरस से बच पाएंगे, इसके संक्रमण की चेन को तोड़ पाएंगे। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी प्रशंसा भी काफी की जा रही है। शहर कोतवाल हरिद्वार प्रवीण सिंह कोश्यारी ने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर यह पूरा प्रयोग किया, जिसको अफसरों ने खूब सराहा। पहाड़ टीवी के लिए सुदीप जैन की रिपोर्ट। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। बेल आइकन दबाना ना भूलें।